Hey, what's up guys? So I hope कि सारे के सारे मजे में होंगे भाई। अक्षय कुमार की जो अपकमिंग मूवी है छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल प्ले करने वाले एंड जो डायरेक्टर है वो संजय मांजरेकर है। एनीवेज यार देखो ये जो मूवी का शूट आज से स्टार्ट हो जाएगा एंड बेस्ट विशेष अक्षय कुमार के लिए कि भाई उनकी ये मूवी सही तरीके से बने, अच्छा डायरेक्शन हो मूवी का एंड ये मूवी चले इंडियन बॉक्स ऑफिस के ऊपर। अब देखो मेरे को ना इस मूवी के साथ एक प्रॉब्लम लग रही है। प्रॉब्लम ये लग रही है कि भाई ये मूवी का शूट आज से स्टार्ट हो रहा है एंड मूवी रिलीज की जाएगी दिवाली पे, क्योंकि ये अपडेट काफी टाइम पहले निकल गया था। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, अगर आप दिवाली पे इस मूवी को रिलीज करोगे तो ये क्लेश करेगा टाइगर थ्री के साथ। देखो अक्षय कुमार से एक रिक्वेस्ट है, अक्षय कुमार सर यू आर अ लेजेंड आई नो, हमको पता है आप बहुत बड़े एक्टर हो, हमको पता है कि भाई आप पीसी से नहीं डरते, हमको सब पता है आपकी कोई मूवी फ्लॉप नहीं होती है, बट मजाक कर रहा हूं। तो भाई अक्षय कुमार सर आपको चाहिए कि भाई एटलीस्ट आप सोलो रिलीज कर दो। देखो वहां पर बात रही जहां तक सलमान खान की, सलमान खान का कुछ ऐसा है ना भाई कि आप एक बार के लिए सोच सकते हो, अगर आप मुझे बोलोगे किसी का भाई किसी की जान को आप टक्कर दे दोगे तो भाई मैं मान सकता हूं कि चलो वो मूवी को आप टक्कर दे सकते हो। बट टाइगर थ्री का ऐसा सीन है ना भाई कि टाइगर जो सीरीज है ना भाई, जो टाइगर फ्रेंचाइजीज है भाई, वो नाम से ही ब्लॉकबस्टर है। तो मुझे लगता है कि वहां पर अगर आप अपनी मूवी को सलमान खान के साथ अगर आप रिलीज करोगे ना तो मुझे लगता है कि भाई आपकी मूवी को ज्यादा लॉस खाना पड़ेगा 75-25%। हाँ वो अलग बात है कि भाई आपकी जो मूवी है उसको थोड़ा सा बोलते ना पॉलिटिकल टच होगा, है ना, हो सकता है कि भाई जीएसटी माफ कर दे, टैक्स माफ कर दे, है ना, हिंदू के नाम पे उसको प्रमोट कर दे, बहुत कुछ हो सकता है जैसे कि अदर्स मूवीज को जो आप आजकल देखते हैं। बट भाई अगर हम इंडियन सिनेमा को देखें ना तो भाई हमको चाहिए कि आप दो बड़े सुपरस्टार हो लाइक सलमान खान एंड अक्षय कुमार, तो भाई आपको थोड़ा सा इधर उधर होना चाहिए था, क्योंकि टाइगर थ्री तो आ रही है ना दिवाली पे, तो भाई आपको चाहिए था कि भाई आप थोड़ा सा अलग डेट अनाउंस करते। बट आई होप के कुछ टाइम के बाद आपको समझ आ जाएगी, हो सकता है ये पब्लिसिटी स्टंट हो सिर्फ सलमान खान विशेष अक्षय कुमार, बिकॉज यार दो बड़े सुपरस्टार की मूवी एक डेट पर रिलीज नहीं होती है। एंड देखो यार ये मूवी का शूट तो स्टार्ट हुआ है बट जिस हिसाब से मूवी का आज शूट स्टार्ट हो गया है तो ये डेफिनेटली दिवाली पर रिलीज होता हुआ मुझे दिख भी रहा है। बट आई होप के दोनों क्लेश नहीं करेंगे, क्लेश करेंगे तो देखो नुकसान तो दोनों का ही होने वाला है। बट वहाँ पर सलमान खान को थोड़ा एज रहेगा टाइगर का, और सलमान खान को ये एज भी रहेगा कि भाई वो थोड़ा सा मसाला मूवी है। एंड मुझे लगता है अक्षय कुमार की जो मूवीज है लास्ट, आप देखो जिस तरीके से फ्लॉप हो रही है, तो उसको देखते हुए भले ही वहां पर एक शिवाजी महाराज का कैरेक्टर है ठीक है, बट फिर भी मुझे लगता है कि भाई वहां पर सलमान खान बहुत भारी पड़ जाएंगे अक्षय कुमार के ऊपर। तो मुझे लगता है अक्षय कुमार को अपना करियर बचाने के लिए ना ऑनेस्टली मैं आपको बोलता हूं कि उनको भाई अपनी मूवी को आगे रिलीज करना चाहिए या फिर पीछे रिलीज करना चाहिए, क्योंकि भाई इतना रिस्क लेना भी ठीक नहीं होता। मैं सीरियसली बोलता हूं कि भाई उनकी आप लास्ट मूवीज उठा के देखोगे ना तो भाई कुछ इतना कुछ खास कमाल की नहीं है कि आप बोलोगे कि भाई अक्षय कुमार आएगा और फाड़ देगा। भाई देखो जो हाल है एट दिस टाइम प्रेजेंट टाइम पे जो चीज़ चल रही है वो चीज़ तो यही दिखाती है कि अक्षय कुमार का टाइम नहीं चल रहा है। एंड अक्षय कुमार को चाहिए कि अपनी मूवी को अच्छी तरीके से पहले बनाए एंड हो सके तो आराम से बनाए, वो एक दो तीन महीने में काम कंप्लीट ना कर दे और उसके बाद एक अच्छी रिलीज डेट निकाले और एटलीस्ट यार सोलो रिलीज करने की कोशिश करे। तो अगर ये होगा ना तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा अक्षय कुमार के लिए भी, डायरेक्टर्स के लिए भी, और खास करके अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी। देखो नाराज मत होना बट मैं ऑनेस्टली सीरियसली बात कर रहा हूं, क्योंकि अक्षय कुमार को ज्यादा जरूरी है पहले तो उनको एक ब्लॉकबस्टर देनी है ताकि वो प्रूफ कर सके अपने आप को, अभी मैं जिंदा हूं, क्योंकि उनकी राम सेतु हो या फिर बच्चन पांडे हो या फिर वो कोई सी भी पृथ्वीराज हो या फिर कोई सी भी मूवी हो, लास्ट आप उठा के देखो कि भाई ओटीटी पे भी फ्लॉप हो जा रही है। चाहे वो आप वो कंचना का जो रीमेक था उसको ले लो, वो कठपुतली ले लो, भाई ओटीटी पे मूवी फ्लॉप होने लगी है तो फिर भाई आप सोच ही सकते हो बॉक्स ऑफिस में क्या हाल हो रहा होगा। एनीवेज ये पूरे के पूरे बात पे आप क्या बोलते हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं कि सौरभ, तब तक के लिए।